साहब नमस्ते। आप पहले तो बहुत शुक्रिया समय फिर से देने के लिए। सर मैं रोज़ रोज़ पूछता हूँ आपसे कि निफ्टी का क्या करना चाहिए, आप कितना, आप ही बता रहे हैं कि हाँ इंडेक्स को थोड़ा छोड़ दो, स्टॉक्स में ज़रा ध्यान दो, लेकिन फिर भी एक बार फिर से पूछ लेता हूँ। कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी आपने नोटिस किया हो, कुछ आप और बताना चाहते हो इंडस्ट्रीज पे, तो पहले वही कंप्लीट कीजिए सर। गुड मॉर्निंग डिम्पी सृष्टि, आपको और अभिषेक को। अरे बच्चे की जान लोगे क्या, 22,800 पे बिकवान बेचने को बोल दिया, 21,800 पे खरीदने को और क्या चाहिए आदमी की जान लोगे क्या डिम्पी जी? और जिसने नहीं फॉलो किया उसके अपने कर्म है। हम तो कह रहे एक ही चैनल है जहाँ पे सतीश न्यू दिया था, जान नहीं ले रहा मैं, ज्ञान ले रहा हूँ। कहानी आपको 22,800 पे सबको कहा बेच दो, पैसा अपने पास रखो जेब में, मनी नॉट ऑन द पेपर, घर ले आओ। और 21,800 पे का फियर प्ले आउट हो गई है, ले लो। कल भी आपने देखा, परसों भी, और तीन गवाह हैं मेरे पे डिप्पी जी अब तो। हाँ नहीं नहीं सर, गवाह तो हैं, बस मेरे को थोड़ा आगे का रास्ता और दिखा दोगे तो और बेहतर हो जाएगा सर। आगे का रास्ता भी दिखा दीजिए फिर। डिम्पी जी देखिए, आगे का रास्ता आसान है नहीं है, और ये इस कारण से क्योंकि इलेक्शन है, रूमर मॉगरिंग है, यूएस फेड, आज यूएस का सीपीआई डेटा, सो देयर आर सो मेनी इम्पोर्टेंट, बट हमने जो अंडर परफॉर्म करना था वो हो चुका है। हम अगर इसी रेंज में भी रहे कुछ दिनों के लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मौके आपको मिल रहे हैं। वेदांता न्यू हाई, सेल न्यू हाई, नैल्को न्यू हाई, आइडिया आपको 6% चल गया, इंजीनियर 10% चल गया। अरे वही शेयर लो जो आपको कह रहे हैं, उसमें पैसे की कमाई है। सिर्फ इंडेक्स पे फोकस करना अनिवार्य नहीं है। HDFC बैंक, आज आप नई लिस्टिंग देख रहे हो, 4x, 3x प्राइस टू बुक। HDFC और HDFC जो मॉर्गेज कंपनी है, less than 2x प्राइस टू बुक। आंखें बंद करके ले लीजिए और अगले 2 साल मत बोलिए, और आपका पैसा 50% अप होएगा। तो आपको अपने आप चूज करने हैं, आपका होराइजन क्या है, आपका गोल क्या है, और अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, वीकली ट्रेडर हैं, या लॉन्ग टर्म है। थोड़े से लॉन्ग टर्म है तो मुझे लगता है कमोडिटीज बहुत अच्छा मौका है। दो प्लेस मैंने कहे, आप सीमेंस के नंबर देखिए, ABB के, बहुत बढ़िया, लेकिन ऑल इज इन द प्राइस। इससे भी बढ़िया नंबर आएंगे इंजीनियर्स और इनकॉन के, और प्राइसेस में कुछ भी आपकी वैल्यूएशन बहुत सस्ते हैं। तो यू हैव टू चूज योर विनर्स एंड लूजर, यू नो वेयर यू वांट टू पार्टिसिपेट। अभी भी मुझे लगता है मार्केट में बहुत अच्छे मौके हैं, कंसोलिडेट हो रही है, बहुत अच्छा है। जैसे आपको कहा 21,800, 22,800, 1,000 की पॉइंट की रेंज अगर हफ्ते में आएगी तो डिम्पी जी यहाँ पे कंसोलिडेशन होगी। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग रनवे, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग फॉल। यहीं पे 2-3 दिन रह जाए वो भी बहुत अच्छा है। उसके बाद आपको पता है जैसे जैसे इलेक्शन की अटकलियां आएंगी एंड सो ऑन, बट मैक्रो नंबर्स अच्छे हैं, माइक्रो में डेटा अच्छा आ रहा है, और थर्डली ग्लोबली क्यूज बहुत बहुत शानदार है। मुझे कोई दो राय नहीं कि इंडिया सेट टू आउट परफॉर्म, लेकिन बिग इवेंट रिमेन्स द यू नो एलिफेंट इन द रूम, दैट इज द इलेक्शन। ठीक है, तो इलेक्शंस पे नज़र ज़रूर रहेगी। और भसीन जी बहुत बहुत शुक्रिया और कॉन्ग्रेचुलेशन भी, क्योंकि कल हमने देखा कि जितने भी स्टॉक्स आपकी लिस्ट में थे उन्होंने ज़बरदस्त प्रदर्शन किया, और आप हमारे दर्शकों को समय दर समय गाइड भी करते आ रहे हैं। पर आज के लिए भसीन जी कौन से स्टॉक्स जो हैं फोकस में रहेंगे ये भी बताइए, कहाँ पर आपकी रिकमेंडेशंस? हाँ सृष्टि जी देखिए, नैल्को आपको कहा था वो प्रॉफिट से ऊपर हो गया, वेदांता भी प्रॉफिट से ऊपर, इंजीनियर 10% मूव किया, अभी शुरुआत है। इंजीनियर्स और इनकॉन मेरे इस साल के फेवरेट शेयर हैं, यहाँ से 50% अपसाइड मिनिमम, और अगर आप एक साल बैठे तो 100% अपसाइड, माने 400-500 रुपए का भाव दोनों को आना चाहिए। आज का टॉपिक अगेन इनकॉन है, 238-40 में लीजिए, 25 का स्टॉप लॉस, 275 का टारगेट। दूसरा मुझे एक्सिस बैंक बहुत पसंद है, आई थिंक नंबर्स उसके बहुत शानदार थे, और अगर कोई शेयर 1200 जाएगा तो वो एक्सिस बैंक है। साथ में बैंक निफ्टी की आज एक्सपायरी है, मुझे लगता है आज दो शोर HDFC और एक्सिस बैंक पे आना चाहिए, 1102 का स्टॉप लॉस, 1175 का टारगेट। और लास्टली कल भी आपको कहा था ग्रेसिव, वोडाफोन ऑन ऑल सिलेंडर्स, अल्ट्राटेक ऑन ऑल सिलेंडर्स, एंड हाउ कैन ग्रेसिव, BSF बिजनेस इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल, सम ऑफ पार्ट्स ग्रेसिव मेरे हिसाब से लार्ज कैप में स्टॉक ऑफ द ईयर होएगा, 2700 का टारगेट है, 2700 पास भी हो जाए कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अभी 2300 का स्टॉप लॉस रखिए, 2700 का टारगेट। दूसरा आपको बता दूं सृष्टि जी, आपको 11:30, आपको 12, आपको 12:15 भी कहा था, वोडाफोन मत मिस करिए, 12:13 कल हो गया, जो और हफ्ते में इसमें जो नए एंट्रेंट्स है जब वो निकल जाएंगे,
इसका भाव अगले एक साल में 25 रुपए का आपको खुल के कह रहा हूं। ठीक है बसीन साहब, मैं ना दो शेयर आपसे पता करना चाहता हूँ, आपकी वॉच लिस्ट में भी है और आपने इन दोनों के बारे में काफी अच्छे से बोला भी हुआ है। मैं थोड़ा इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ, एक तो रतन इंडिया पावर करके है, वो बढ़िया चल रहा है, 9.5 पे आपने दिया था, 11.5 का मोटा मोटी रेट है। एक वोडाफोन आइडिया पे भी आप काफ़ी बुलिश है सर, इन दोनों पे मेरे को बता दीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई वापस कोई प्रॉब्लम तो नहीं, रखे ना, होल्ड कर ले दोनों शेयर्स को आराम से। बिल्कुल, देखिए डिम्पी जी, ये शेयर किसी को अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि ये आप बोल लोगे 12 रुपए वाले शेयर है। अगर आपको सीमेंस बहुत 7,000 तो आप बोलोगे भसीन साहब 11-12 वाला शेयर कह दो, 11-12 वाला शेयर में रिस्क रिवॉर्ड भी तो होता है ना, वो ऊपर नीचे बहुत जाता है, लेकिन अंडरलाइन फंडामेंटल देखिए 2700 मेगावाट है रतन पावर, एनसीएलटी से बाहर आ जाएगा और मुझे लगता है इसका भाव कम से कम 18 रुपए से नीचे तो बेचने का सोचना ही नहीं। वोडाफोन आइडिया, आपने 20,000 करोड़ की कैपिटल रेस करना था, 85,000 करोड़ आ गया, एक तो सबको अलॉटमेंट नहीं मिली, दूसरा मार्की नेम ने इन्वेस्ट किया, तीसरा 4G 5G में एक्सपेंशन हो गई और कैश आ गया, फिफ्थली 4,000 करोड़ की डेट है जो बढ़ सकती है बैंक्स की तरफ, क्योंकि उनके पास कुछ कंप्लायंस के वजह से गवर्नमेंट की तरफ से आपको पेमेंट करनी है, लेकिन सरकार ने जब स्ट्रेंथ दिखा दी 10 रुपए पे जो उनकी डेट है वो हो गया, और आपके पास अब दो प्राइस हाइक्स आने को हैं, 140 का आरपू अगेंस्ट 200 ऑन भारती, कैसे आप रॉन्ग सकते हो? अगर आप में रिस्क की गम्पशन है, मैं खुल के बोलता हूं, तो भारती को आज कन्वर्ट कर लो वोडाफोन 25 रुपए हो जाएगा, भारती 2,000 रुपए नहीं जाएगा, ये भी बता दूं मैं आपको। दूसरी बात, रतन पावर 18 का टारगेट और वोडाफोन 25 का, लेकिन डिम्पी जी ये आपको पता है क्योंकि ये थोड़े से हाई रिस्क भी है, आप अपनी डिलीजेंस कीजिए, अपने आपको अपने ब्रोकर से डिस्कस कीजिए रिलेशनशिप मैनर से, हम आपको आइडिया दे सकते हैं जो बाद में जाके आपको यू नो गोल्डन गूस बन सकते हैं, लेकिन इंटरमीडिएट वॉलिटिलिटी बर्दाश्त करना है, ये आपके अगर जहन में है तो कीजिए। ठीक है, तो दोनों ही काउंट